क्षमा कीजिएगा, कुछ तकनीकी समस्या थी मेरे फ़ोन में, इस वजह से जो बचे सवाल है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने बात करी पहला पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन को लेकर के। पार्टनरशिप का जो डिस्टिंक्शन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, कंपनी से, उसके बारे में बात करी हमने। दूसरा हमने इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में बात करी। तीसरा डिजोल्यूशन ऑफ फर्म की बात की। रजिस्ट्रेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्यों ज़रूरी है, किस स्थिति में ज़रूरी है, और जो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है उसका इफेक्ट क्या होता है। और हमने पार्टनर के स्टेटस की बात की, उनकी जनरल स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की। अगला सवाल जो आपका अब जो आपकी सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट है, पहला तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, उसमें आपका जो पहला सवाल है कि सेल की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या होता है, और जो फॉर्मेशन वाला एरिया है 4 से 17 तक, वो आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ से एक सवाल बनने की उम्मीद रहती है। आप राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में कब वो अपने पास आपके पास लियन होता है, जनरल लियन क्या होता है, पर्टिकुलर लियन क्या होता है, ऐसे इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सेल ऑफ गुड से पहला सवाल आपका सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, उसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में। दूसरा सवाल आपका अनपेड सेलर के राइट्स को लेकर के। तीसरा सवाल आपका कंडीशन और वारंटीज को लेकर के। और उसमें आप कैविट एमिटर का जो सिद्धांत है, लेट द परचेजर बी अवेयर का सिद्धांत है, उसको जरूर पढ़िएगा। और ये जो राइट्स हैं, ये जो पार्टीज के ऊपर कंडीशंस हैं, वारंटीज हैं, उनके बारे में पढ़िएगा। और अंतिम सवाल जो है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 55 से 61 तक, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एक्ट में क्या, थोड़ा सा टेक्निकलिटी की बात करें या थोड़ा सा कहें कठिनाई जटिलता, तो ये है कि एक्ट दो हैं, वैसे आपको तैयार रहना है। लेबर लॉज में चार एक्ट हैं, तो तैयार तो रहना है। पहला आपका पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और मुझे लगता है कि पार्टनरशिप से ही आप चाहिए तो 3 से 4 सवाल करके सेल ऑफ गुड्स में एक सवाल करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स कभी कभी लोगों की राय में थोड़ा सा तकनीकी है पार्टनरशिप की तुलना में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, इन सवालों को पढ़िए। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो दोबारा से पढ़िएगा, और यदि आपने इसके अलावा कुछ और भी तैयार किया हुआ है तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, हो सकता है वहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लिखने के काम आ जाए। बाकी आप इन सवालों पर भी मेहनत करिएगा ताकि आप बेहतर आपका पेपर हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी आपका अगला पेपर होगा उस पेपर के सवालों को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।